नमस्कार, मैं हूं मेघा वर्मा। सिने आजकल न्यूज में आपका स्वागत है। बुलेटिन का रुख करते हैं कुछ खास खबरों के। नमस्कार, मैं अरुण कुमार सिन्हा, सीएम इंडिया टीवी और सिने आजकल न्यूज में आपका स्वागत है। अभी संदेश बिहार के बिस्कुमान भवन पर हूँ। यहाँ अभी कई दिनों के बाद रासायनिक यूरिया आ गया है, तो आइए इस संदर्भ में मैं यहाँ के प्रभारी से मिलता हूँ। बात करा तो मेरे सामने अभी बिस्कुमान के प्रभारी जी मौजूद हैं। सबसे पहले मैं इनसे परिचय लूंगा। सर, अपना परिचय। आपके यहाँ अभी कौन कौन खाद उपलब्ध है? अभी हमारे यहाँ यूरिया आपूर्ति कराई गई है। यूरिया आपूर्ति की 1500 रुपये। इसके अलावा डीएपी, पोटास या और कौन कौन सा खाद है अभी आपको? कोई खाद नहीं, यूरिया ही है। इस सप्ताह में यूरिया, डीएपी और एपीएस की आपूर्ति कराई जाएगी। अगले सप्ताह से उम्मीद है कि किसानों की बढ़ेगी। थोड़ा ऊँची आवाज में बोलिए सर। आवाज टोटल 1500 है। 1500 ये डीएपी, पोटास या सागरिका जो भी आपके यहाँ रहता है वो कब तक आ जाएगा? सागरिका तो उपलब्ध है यहाँ पे। डीएपी सप्ताह में पहला सप्ताह उम्मीद है कि आपूर्ति कराई जाएगी, तो अगले सप्ताह से वितरण किया जाएगा। यूरिया का रेट क्या होगा? 265 रुपये। और वही डीएपी का रेट? डीएपी भी पोटास का रेट होगा। डीएपी का रेट है हमारे यहाँ 1200। नेचुरल पोटास का रेट आ गया 1500। और मिक्सर है जो एपीएस 20 होता है उसका रेट बढ़ गया अभी 1220 रुपये रेट है। जी जी, तो बहुत। ये वितरण कब से होगा खाद? यूरिया का वितरण कल से होगा। कल से जी। और बाकी तो खाद आने के बाद? बाकी आने के बाद। तो आइए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने जिसको मान के प्रभारी प्रियांशु शेखर जी से सुना, उन्होंने बताया यूरिया आ गया है, डीएपी पोटास का सब एक सप्ताह के अंदर आने की संभावना है। धन्यवाद। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सिने आजकल न्यूज़। नमस्कार।